देखो भाई जफर ने लग लाई हो रंग आ देखो बोर्ड पे आ गए जनाब पक्के पे आ गए सुका ले यार सफाई जड़ी है ना काफी देखो मिट्टी जड़ी है ना मिट्टी किन्नी सारी पई हुई है देखो पेंट होया हुआ नवा नवा घर ते वालेकुम अस्सलाम मैं तो वैसे आपको मशवरा दूंगी जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर कह रहे ना एक लड़के को बुलाएं 1000 तो उसे देंगे एक दफा सारी सफाई उससे कराएं लड़के सही कर लेते हैं सही बाकी माड़ी मोटी आप आके कर दे रहना चलो उन वक्त में पानी पूनी छाड के उन वक्त तसल्ली ना दो देवे तसल्ली नाल सफाई मुंडे को इवें करा लईए हैं ते क्योंकि फिर ए ना के असी मतलब शिफ्टिंग सुबह होगी समान पैक होया पे समान पैक होया पे वेखन आए सी ना भी तसली करके एग्रीमेंट ते साइन करिए उन्होंने बयान दे भी समान चाह लिया के शाम तो पहले पहले जिन शिफ्ट होइए एग्रीमेंट ता पूछ रहे आज होना या कल लेकिन उन्होंने चाबी दे दी थी ये सन सही उन्होंने कहा अपनी शिफ्टिंग करनी करो एग्रीमेंट हो जाना है सफाई वास्ते मेरा दिल है मेरा वैसे मशवरा मनो ना आज मुंडा सफाई वास्ते लगा देइए ते कल तुसी समान शिफ्ट कल कर ली चलो तसली ना एक दिन ना केड़ा फर्क पैंदा पे चलो ठीक हो आज मेरी भी खाला दा ऑपरेट है असी भी जरा उनां देख लईए एक इथों सफाई असी देखदे जावांगे ना सफाई करवा रख दिया ताडे सही सही ठीक है ना ठीक हो तुसी कल सामान लेके आओ ठीक हो गया बाकी तुहानू घर जेड़ा ना थोड़ा बहुत विखाने आ एक मसला है इंदी तीसरी छत ते पौड़ी कोई नहीं जांदी मैनू बई एम जिवें लांदा ना लक्कड़ की पौड़ी इथों इंज करके लक्कड़ की पौड़ी ला देनी मैं भी बाकी चलने तुहानू जेड़ा ना कमरे वगैरह दिखाने जी ए कमरे ने लेकिन कमर सफाई होने वाली ओके ओके बाकी मजे की गल ना पंखे ने ना बल्ब ने हरी हर अच्छा थले बंद हुई है सही पंखे तो है पंखे है वाशरूम वगैरह भी है लेकिन भी साफ होने वाले सारी हर देखो ना काफ़ी ज्यादा सफाई होने वाली है ए कोई ड्राइंग रूम ने बिजली बोर्ड और एक ऐला जेड़ा है ना कमरा है पर्दे वगैरह भी अगले लाल है सारे और ए जी सामने साढ़े जी समझ लो गली है और ए टेरेस है का छोटा जहा ताला लग्या हुआ और इस तू थले जी आ जांदियां ने पौड़ियां रंग होई होई ना ताजी ताजी इस करके जेड़ा ना सारी सफाई करन वाली है बिजली गई होनी बस आपने बर्थडे लाने से लाने वो आपका स्टोर है हाँ जी बाकी असल सही तरीके होम टूर तो उदो होगा जो सफाई हो गई तो जो अपने समान लिया के शिफ्ट कर लिया तो बाकी तसली ना जेड़ा गल समझ तुम बाद दिखावे हूँ तो वैसे जेड़ा गल तुम दिखा रहे भी घर के जेड़ा गल शिफ्ट हो चुके हाँ जी घर का जेड़ा है ना होम टूर किया वाला घर है जी अंदरों तुम विखाया है बाकी वाले सफाई वगैरह जी समझ लो होम वाली है सफाई वगैरह होगी तो फिर जरा ना इंटर जरा ना सुबह फर्स्ट टाइम जरा नहीं ना सिस्टर कह रही थी जरा शिफ्ट होवे अं हाँ जी घर चाबियां कितने ने हाँ जी ए जी घर चाबियां मिल गई ने सू चलो जी अल्लाह पाक खैर खरीयत ने जरा अगर सू शिफ्ट करे और अच्छी खासी अगली लाइफ जी सा शुरू होवे चलिए है जी चाबियां चाबियों ते कलोनी ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦਫਾ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਦਫਾ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਕੋ ਦੇ ਦਿਆ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਏ ਆਓ ਕਿ ਆਪ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਨਹੀਂ 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 ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਫਾਈ ਆਜ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਏਗੇ ਹਮ ਰਾਤ ਕੋ ਦੇਖ ਵੀ ਜਾਏਗੇ
चलो ठीक हो करके चाबी कर ओके हो गया। तो फिर कल आपने जब शिफ्ट होना है ना तो बस अपना सामान आपने ठीक हो गया। अच्छा मैं फिर जेड़ा ना चला जावांगा ते जेड़ा मसानों देखो पैसे वगैरह आए या जेड़ा कुछ वो मैं तन दे जावांगा ते शनाक्षी कार्ड दे कोई लग पिक्चर वगैरह। अब्दुल वहाब किथे गया? अब्दुल वहाब किथे? अब्दुल वहाब उन्हें ना अब्दुल वहाब जेड़ा ना गवांडियां ले चला गया है टाइम टू टाइम। बाकी तो सब ठीक है घर के गार्डन की जी बड़ी बुरी हालत है ये मैंने जो समझ लो कहते खर्चा मर्चा करना पुसी दे गाह लावे को बूटे शूटे लावे और इतों थले मेरे ख्याल काम खराब होया हो बहर ली कोई सफाई वगैरह करा मैं एक बार इतने आ लवा सोना करके जरा ने इंशाला उधर भी बन जी ब्लाग वगैरह और मैं अपना गार्डन ज़्यादा ध्यान है मेरा साहबा जी उधर गड्डी बैठ गई क्योंकि एक बार जो नहीं ना सिस्टर के घर चलू है शिफ्टिंग तो ज समझ लो कि अज पक्की करनी सी असी 100 फीसद लेकिन घर की तुम हालत वेखी है की हुई हुई है तो हूँ जो ना सुबह ही जो सफाइया वगैरह हो जाए सुबह ही करा। हाँ जी असी आ चुके हैं जी बैक टू होम और हिना सिस्टर जा रही है मेरे ख्याल ला किला परले पास जा की खा रहा है बाकी झूठ अजी कोई नहीं बोलते ना ही मेरी आदत है तुम जन बाजी ही ना उन्होंने व्लाग ही देखा होगा या उन्होंने कहा होगा कि असल च कि कल मैं तुम जो व्लाग के घर विखाया से ना वो घर मिल तो गया से सू चाबियां भी उनकी मिल गई सी लेकिन ना ओ आपस समझ लो कि ना बाइया का पै गया रोड़ा एक बाई ने कहा जी मेरी कोठी है तो एक बाई ने कहा जी मेरी कोठी है ठीक है तो एक उनका किराया भी ज़्यादा है तो उस चक्कर दे वेचे मैं ये सोचा है कि बाई जफर उन्हें यह सोचा कि एक बाई को सी मकान किराए तो लै लीए दूसरा आया खड़ो भी बाहर निकलो मकान मेरा है मैंने भी किराया दो तो असी दो मालिक के फसे खड़े होइए तो जेड़ा ना बयाना वगैरह दे के पैसे वगैरह दे के फस ना जाइए इसे करके असं सोचा कि घर जेड़ा ना बेहतर है ये ना लीए तो होर कोई लै लीए तो लेकिन जेड़ा पहले वाला घर से उन्हें 10,000 रुपये तकरीबन सस्ता भी है 9,000-8,000 सस्ता है तकरीबन 8,000 सस्ता भी है पहले वाले घर नालों तो यह सानू तकरीबन वारे भी है इतना वो न्यू घर हैगा सी इन्दे नालों खूबसूरत हैगा सी उन्दे डबल किचन भी है काफ़ी सारा VIP घर से लेकिन उनका किराया भी ज़्यादा हैगा सी उसके अलावा रोले वाला घर से मैं क्या अगे से रोले जी निकले हट के फिर रोले ना पै जाए भी उस करके फिर जो नॉर्मल जी घर लिया बगैर लड़ाई झगड़े वाले बंदे का तो इनशाला सफाई वगैरह होगी तो हाँ घर तुम वेख्या बिल्कुल साफ सुथरा बेहतरीन लेकिन सफाई वगैरह थोड़ी बहुत होने वाली वो भी होगी तो फिर तुम दोबारा होम विजिट करावे कुछ समान वगैरह परदे वगैरह ला लू के मुकम्मल तौर पर अजाले सैट सुट करके सारा कुछ सैट करके फिर दोबारा एक होम विजिट मुकम्मल तौर पर करावे गल तुम एक दो कमरे विजिट दिखाए से। हाँ वहाब साहब तेरे घर पसंद है ये उत्थे जेड़ा ना स्पीडो स्पीड जेड़ा ना सामने घर से गवांडियां सामने साढ़े हम गवांडी ने सानू दसे पुछे बगैर उन्होंने घर जेड़ा है नवाले गया। 6:00 तो तकरीबन 15-16 मिनट हो गए और बाई ने कहा 6 बजे जेड़ा ना आके तुसी एग्रीमेंट साइन करना और उनका जेड़ा ना फोन आ रहा तो असं चले जी दोपहर का नाश्ता पानी असी इतने किया नाश्ता पानी तू इत तू इत बह अस फिर जो समझ सैन वगैरह करने तैयार कर ठीक है मैं हूं आया बस 2 मिनट जल्दी जल्दी कह रहा मैं घर चल अलहमदुल्ला जी जे काम गए से किसी काम करके तो हूँ जा आ गया घर वापस लेकिन उधर जो हम घर वापस समझ को बड़ी मुश्किल हो गई उनकी वजह है कि लेट काफ़ी ज़्यादा होगी तकरीबन 8 बजन वाले ने और चेक कर सकते हो अंगूठे शंगूठे लगे हुए हैं रंग यह रंग जी समझ को निशानी है। हाँ जी ए देखो जी वोट पाए हैं देखो भाई जफर नहीं लगी लाई हो रंग दावत करांगे और कुरान खानी भी करावांगे दिल हैगी आ सही है ना ते मदरसे उथे मौलवी होवेगा ना आपां पढ़ावांगे कर ली क्योंकि इन्हां नूं काफी ज्यादा टाइम मिल गया 15 मिनट का ना लैके गए सी और तकरीबन सानू 2-3 घंटे सानू हो गए ने
ਕਿੰਨੇ 6 6:30 ਗਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅਬਦਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਨਕੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦੇਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਗੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਹੀ ਵਿਖਾ ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਅੱਧੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਟੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹਾਲੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਭੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਚਨ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਵਜੇ ਤੇ ਸਮਾਨ 5-6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ 2-4 ਘੰਟੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਸੀ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਥ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਬਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਧੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਜੇ ਜਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 2-3 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਰਵਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਦ ਆਪ ਘਰ ਮੇ ਰਹੇਗੇ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਆਪ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿਧਰ ਹੈ ਬੋਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਵੋ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਬਾਜੀ ਨਈ ਦੋਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਨੂਰਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਜੇਕਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਘਰ ਉਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ
हाँ इस कारण क्योंकि उसे बैड ते असीं सोना पैना ते अगर वो नहीं होगा तो फिर वो परेशानी बन जाएगी इसे कारण इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं और हाँ जी टेंशन भी नहीं है तो उस तो इलावा मैं दिल की गहराइयों तो जिहड़ा हैगा ना हिना दी अम्मी दा भी और हिना सिस्टर दा भी और भाई जफर दा भी जिहड़ा हैगा शुक्रिया करना क्योंकि इन्होंने सानू समझ कि काफ़ी दिन तो तुम वेख रहे हो कि घर बड़ी मुश्किल जो लभ के दिता है। हाँ जी देखो जी जेड़ा काफ़ी मैं जेड़ा ना मोटिवेशनल गल्लां पढ़ता रहिंदा हुंदा ना ते स्टेटस वगैरह की सद्दे टिकटॉक जी चलांदे मैं हकीकत वेखिया जावे उत्थे मैं बहुत सारी वेखियां ने सब तो अनमोल जेड़ा ना और मजबूत रिश्ता दोस्ती दा है। ठीक है और बे मतलब जेड़ा रिश्ता बे लो से वो माँ प्यो दा है। ठीक है मजबूत रिश्ता दोस्ती का है तो उस तो हट के बेलौस जब मतलब नहीं होंगे किसी चीज़ का या कोई मसलन वो माँ प्यो का रिश्ता होंगे। ठीक है बाकी बाकी भी रिश्ते होंगे ने बहना बाइयों के लेकिन वो कच्चे पक्के होंगे हकीकत दे विच कोई ऐसा मैं वेख्या नहीं बंदा कि जेड़ा नाल रल के चले लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नाल टुरे नाल रल के रहना चाहिए जिंदगी दे विच हिस्सा बनना चाहिए लेकिन बहुत आप बाहरले मुल्कां में शायद होगा अंग्रेज रहिंदे होवणगे लेकिन ना साढ़े एरिए दे विच जिहड़ा हैगा ना मसलन पंजाबी ज़्यादातर जिहड़े आए रोज़ गल्लां सुणदे होवोगे जी भरा ने फलाने नूं मारता इस गल तों इस गल तों लेकिन लड़ाइयां झगड़े इन्हां चीज़ां दे विच जिहड़ा हैगा ना मसलन बहुत ज़्यादा ने और असीं दुआ करने आ कि अल्लाह करे इस तरह की लड़ाइयां झगड़ियां जिहड़ियां हैन दुनिया तों खत्म हो जावण और मिलजुल के रहण दी जिहड़ी ना अल्लाह पाक सारयां नूं जिहड़े तौफीक देवे क्योंकि एक जुट हो के रहना या वह की सद्दे ने मसलन बरकत है वह की सद्दे ने इतफाक च बरकत है। ठीक है इतफाक च बरकत होंगी आ अगर इतफाक ना बंदा रवे ना तो उनके डबल फायदा होंगे और हकीकत गल है कि असी रल के रेंदे ना भाई। ठीक है रल के रेंदे हूँ साड़ी रसाई हो चुकी मैं अज भी कह रहा मेरी किसी भाई ना कोई लड़ाई नहीं आ रसाई साड़ी हो गई आ लेकिन कोशिश करांगे कि साढ़े रिश्ते चलन मैं नहीं चाहता कि चलो उन्हें कोई गलती हो गई उन्हें मेरे को माजरत की सिस्टर मैं उन्होंने माफ करता। ठीक है अच्छी बात है नहीं रिश्ते अपने चलाने ही चाहिए कोई भी है सिस्टर माफी मंगता मैं माफ दे देना तो मैं चाहना कि रिश्ते चलने चाहिए ने। ठीक है मैं नहीं चाहता कि रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए ने। ठीक है रिश्ते चलने चाहिए ने तो अल्लाह पाक को दुआ करना कि जी एक असी नवी लाइफ शुरू कर रहे हैं और सारे भैन भाई दुआ करो कि अल्लाह पाक साड़ी जिहड़ा नवी जिंदगी खुशियां भरी होवे क्योंकि असी खुशी दी ही तलाश जेड़ा कहना बाहर निकले ते अल्लाह पाक जेड़ा कहना खुशी देवे ते काफ़ी टाइम दे सी आया समझ लो कि इजाजत मांग ली गप्पां जेड़ियां लंबियां चौड़ियां हो गईं ते बाकी दो इजाजत इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी खुदा हाफे सलाह निगेबान और कल दे व्लाग दा इंतजार करना है वो शायद आली गल दोपहर टाइम भी व्लाग आवे और शाम दा ते जेड़ा इंशाल्लाह शिफ्टिंग वगैरह हो जाएगी। हाँ जी